सवाल यही है कि आप तैयार है नेशनल मीडिया की तरह, आप भी भाई साहब गलत काम कर रहे हैं। नहीं 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 आप देखिए देखिए मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं ज्ञानेश जी, लेकिन आपके आरोप को मैं लेता हूं। अभी मेरी टिप्पणी अभी आनी बाकी है, आप चिंता न करिए। प्रकाश जी को बोल लेने दीजिए, उसके मैं समाप्त करता हूं। प्रकाश जी बोलिए। प्रकाश जी देखिए ऐसा है, जो ज्ञानेश जी ने बोला है और सुनील जी ने बोला है बहुत अहम मुद्दे की बातें बोली है। ऐसा है, मूल रूप से हम सारे लोग पत्रकार है, पत्रकारों का धर्म होता है कि जो देश के अंदर बातें हो रही है उसके ऊपर चर्चा करे, अगर गलत हो रही है तो गलत के ऊपर बात करे। देखिए 2013 के अंदर जिस तरीके से इन लोगों ने देश के अंदर नैरेटिव फैलाया था, जिस तरीके से वो बेटे वो लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ, जिस तरीके से अन्ना हजारे बैठे, जिस तरीके से 2G स्पेक्ट्रम सारे के सारे बातें और निकली, और जिस तरीके से सारा देश के अंदर का माहौल बदल गया था, अन्ना हजारे बैठे वहां पे, वो हमारी क्या बोलते उसको तो राबी जो राज्यपाल बैठी, तो ये किस तरीके से हुआ था। तो उसके अंदर मेरे जैसा पत्रकार भी बह गया, और उसके बाद में मैं भी 2004 के अंदर 14 के अंदर मोदी जी का प्रशंसक बन गया। उसके बाद में मोदी जी को वोट भी दिया मैंने, 2019 में भी दिया है, और भी बोलता हूँ मैं आपको। लेकिन बातें क्या हो रही है कि 2019 में तो मजबूरी में देना पड़ा, क्योंकि कोई था सामने, विकल्प ही नहीं था। अगर कोई विकल्प रहता तो मैं दे भी देता था वहां पे, लेकिन परिस्थिति कैसी है कि ये पिछले 2014 से जो बातें हो गई है, उन्होंने तो एक ही बोला था कि उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दो। मैंने भी सोचा भाई ना बीबी ना बच्चा है, काम तो अच्छा ही करने वाले हैं, तो हिसाब से दिए करे। लेकिन भी बात ये उसके बाद में जो बदली, जिस तरीके से अडानी के हवाई जहाज में सफरे हो रही है, जिस तरीके से बोलते थे कि मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो पहले लंबा शर्ट पहनता था, बाद में सोचा क्या जरूरत है, मैंने छोटा करते करते इतना कर दिया, वो कर दिया, कम से कम खर्चा करता हूँ, कम से कम इसमें रहता हूँ और एकदम सादगी से रहता हूँ, तो ये मुझे भी बड़ी भागे थी। लेकिन उसके बाद में जो माहौल बदल गया, जिस तरीके से 17,000 करोड़ का हवाई जहाज ले लिया, जिस तरीके से कपड़े बदले जा रहे 2-2 मिनट में, और जिस तरीके, तो क्या है ये, छोड़िए अभी बातें, लेकिन क्या है कि ये सारी बातें फिलहाल में जो चल रही है इसके अंदर देखिए, पहली बात ये समझना चाहिए कि ये लोग कितने शातिर है। इसके अंदर सारे अडानी के जितने भी पाप हुए ये पीरियड के अंदर के, यानी उसके जो कोर्ट के ऊपर सारा ये ड्रग पकड़ा जा रहा है, उसके बाद में उन्होंने ये सारा का सारा पैसा जमा किया, और जिसको यानी क्या बोलते मनी लॉन्ड्रिंग किया, या बाकी के भी सारे उन्होंने सारी चीजें फोकट में या एयरपोर्ट सारे दबा लिए सारे के सारे, ये सारे पाप दब गए। अडानी के बारे में कोई चर्चा नहीं है, राफेल का पूरा मुद्दा दब गया है, किसानों का पूरा मुद्दा दब गया है, MSP के मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं है, बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं है, वो छोड़ो जिसका इन्होंने बोला था कि अगर नोटबंदी 50 दिन के अंदर ये नहीं किए तो आप मुझे फांसी चढ़ा देना, बात नहीं हो रही है। नोटबंदी के जो भी समस्या है हमारे देश के अंदर खड़ी हो गई है वो छोड़ो, अभी का ले लो लॉकडाउन, जिस तरीके से लॉकडाउन में करोड़ों लोगों को इन्होंने पैदल लड़ाया, हजारों लोग मर गए, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, कोई बात नहीं हो रही है इसके ऊपर कि भाई उसमें गलती हो गई है, वो छोड़ो। दूसरा अहम मुद्दा, ये जब सत्ता में आए थे तो 55 लाख करोड़ का कर्जा था देश के ऊपर, 55 लाख करोड़ का 60 साल में कर्जा हुआ था, 60 साल में, और इन्होंने 5-8 साल के अंदर हमारे देश का कर्जा 100 लाख करोड़ से बढ़ाकर 155 लाख करोड़, इसका ब्याज 10 लाख करोड़ दे रहे हैं हम लोग, बोलिए। अब कोई चर्चा नहीं हो रही है सारी इसके ऊपर, और फालतू चीजों के ऊपर, टमाटर के प्याज बढ़ गए, भाव बढ़ गए हैं, वो बिटिया है, ये है वो है मणिपुर, अरे ये तो ठीक है, ये तो जानबूझकर इस तरीके से फैसला जाते हैं। मैंने जो अभी मुद्दों का विषय किया ये तो अहम मुद्दे थे हमारे देश के, क्यों चेन्ना संसद के ऊपर चर्चा हो रही है, क्यों इसके ऊपर क्या बोलते JPC बैठ रही है, क्यों उसकी मुद्दा नहीं हो रही है, अभी वो उन्होंने ये लाया है क्या बोलते उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन, अभी वो लाया, उनको भी पता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का कुछ होना नहीं क्योंकि इनकी संख्या तो ही नहीं होती, लेकिन ठीक है वो लाया, अच्छा है, वो टूल है हमारे देश का, पता तो लगे कि भाई विपक्ष अभी भी जिंदा है करके, वो विषय नहीं है। लेकिन देखिए देश का गणतंत्र खत्म हो गया है, और आने वाले दिनों के अंदर हम लोग गणतंत्र के जगह पे प्रेसिडेंशियल शिप फॉर्मेट में जाएंगे, जिस तरीके से चाइना के अंदर इसने प्रेसिडेंशियल शिप ला दिया, जिस तरीके से रशिया के अंदर ला दिया, 2024 इज द डेडलाइन, ये हमने आज समझना चाहिए, और इसके ऊपर भयंकर गंभीरता से चर्चा हम लोगों ने आने वाले दिनों में करना चाहिए। मैं आपको वाकई में ये देता हूँ सब लोगों को, तीनों को दो, बाकी दोनों तीनों की, और इवन आशुतोष, मतलब समझ में आ गया, आशुतोष का तो काम है कि हमको प्रवोक करना, यू आर ट्राइंग टू प्रवोक अस जानबूझ के, और ज्यादातर के तो
वो सुनील जी को प्रोव करने की कोशिश कर रहे थे, ये मैं समझता हूँ, और वो काम होना ही नहीं चाहिए पत्रकारों का। वो कोई मोदी जी के समर्थक नहीं है, ये मुझे भी पता है, लेकिन चर्चा अच्छी हुई हमारी, उसके बारे में कोई बात नहीं है। नहीं, मैं अब आप क्लोजिंग रिमार्क करता हूँ। अभी आप लोगों ने तो बहुत छुप छुप करके बोला कि सुनील, नहीं नहीं काई का छुप के बोला आपने, नहीं नहीं सुनील बोला, हमको डर के थोड़ी है। सर्वे 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 के ऊपर मैंने उनको पूछा कि झूठ या सच है, तो बोले कि नहीं मैं, मेरा कोई अधिकार नहीं है ये, वो क्या मर्यादा, सर्वे वर्वे पे भी कोई मतलब नहीं है, सारे के सारे मैंने सर्वे रहते हैं, अगर इनका सर्वे तो चलो अभी हम हमारे अखबार के थ्रू एक सर्वे करवाते हैं, हमारे इन्होंने 20,000 लोगों का करवाया ना, मैं 1,00,000 लोगों का सर्वे करता हूँ। हाँ, तो ये ज्ञानेश जी ने थोड़ी सी मर्यादा से आप बाहर निकल के बोला ये प्रेशर रिलीज है, मैं सारी मर्यादा को तोड़ करके ये बात कह रहा हूँ, ये फ्रॉड, ये झूठा बिकी हुई मीडिया का बिका हुआ नैरेटिव है, इसके अलावा कुछ नहीं है, यही सच्चाई है। जो असली मुद्दे हैं अगर उसके ऊपर आज मीडिया तय कर ले तो यही मोदी जी घुटने के बल बैठ जाएंगे। अब सवाल ये मोदी जी से नहीं है, सवाल है कि जो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति है, अब वो हो सकता है कि उनके जगह राहुल गांधी भी हो जाता, उनके जगह कोई और नेता हो जाते, केजरीवाल तो खैर है ही है, उनकी जगह जो कोई भी पात्र होता, और ये अगर हालात होते तो उनके खिलाफ यही बात करनी पड़ती तभी मीडिया होती, अन्यथा मीडिया नहीं होती। इसलिए आप ये भूल ना करें कि हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, हम उस सत्ता के संस्कार के खिलाफ हैं, जिस सत्ता के संस्कार में इतने सारे मुद्दे, और जो ज्ञानेश जी ने कहा कि देश तबाह हो रहा है, देश खत्म हो रहा है, उसको नकली नैरेटिव से कि नहीं देश बहुत चमक रहा है, देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्रवेश कर रहा है, ये सब झूठ है। सच कब कौन देखेगा, ये देखना पड़ेगा हमारे देश के प्रधानमंत्री को। और इस तरह के जो प्रेशर रिलीज करने वाली बात हो रही है या नैरेटिव बनाने वाली बात हो रही है अभी से, ये बिकी हुई मीडिया उसके पार्टनर है, सत्ता संस्थान के पार्टनर हो गई है मीडिया, और उनके कहने पर ही, उनके ही आदेश पर, उन्हीं के मनमाफिक सर्वे को प्रोड्यूस किया जा रहा है। पहले भी होता था, पहले भी ऐसा होता था, आज भी हो रहा है। आज हम मुखरता से इसलिए बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के जमाने में आपके पास एक ऑल्टरनेटिव मीडियम आ गई है, मीडिया नहीं है, ऑल्टरनेटिव मीडियम आ गया है, जहां आप बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सही बात तो यह है, इसलिए मेरा टैगलाइन था कि मोदी सर्वे में मीलों आगे, लेकिन सच्चाई कुछ और है, और सच्चाई हमारे दर्शक ने देख लिया। सुनील शुक्ला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज्ञानेश श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रकाश पोरे जी आपका बहुत शुक्रिया। कल रात फिर आपसे मुलाकात होगी 9 बजे, तब तक के लिए आशुतोष कर्मत दीजिए, नमस्कार।